हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता जिप्स। तो आज जो क्रिएशन है थोड़ा डिफरेंट है और आपके सामने आपने देख लिया। पहले मैं आपको इसका वॉक अराउंड वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आपको इसकी डिटेल्स देता हूँ। और भाई जो भी फ्रेंड फोन या मैसेज करेगा ना, वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद ही मैसेज करो, क्योंकि इसमें मैंने प्राइस डिटेल, बुकिंग कैसे की जाती है, मैंने सब कुछ ईच एंड एवरी डिटेल्स बता रखी है। तो आपको सबसे पहले इसका वॉक अराउंड वीडियो दिखाते हैं, वो देखिए। आपने इसका वॉक अराउंड वीडियो देख लिया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए, कोई भी जो भी आप लोगों के सजेशन है मेरे को बताना। और अभी मैं आपको गाड़ी के बारे में बता दूं, पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है, हमारी हर गाड़ी में मैंडेटरी है पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, पावर क्लच। और अब इसमें जो नए फीचर्स बताएं, जो ये LED इंडिकेटर्स बोलते हैं वो लगाए हुए हैं, इसमें LED का इंडिकेशन आएगा। और सामने ये लाइट लगी हुई है, हैलोजन लाइट्स हैं, नीचे चार ये लाइट्स हैं, जो इसके ऊपर लाइट्स दी है स्क्वायर लाइट दी गई हैं। जो निक्कू भाई जी हैं, जो मैं कस्टमर है, जो हमारे पास ऑर्डर देके गए थे, उनके किसी फ्रेंड का, पर निक्कू भाई जी हमारे पास आए थे, उनकी चॉइस ये थी कि एंग्री बर्ड ग्रिल की जगह उनको स्क्वायर लाइट्स चाहिए। कंप्लीट मैट ब्लैक कलर है गाड़ी का। इसमें टायर्स कुछ अलग हैं इस बार, इन टायरों को BKT टायर्स बोलते हैं, ठीक है गाइस। और एलॉयस हैं, मैं आपको दिखा दूँ, जो रेगुलर एलॉयस होते हैं वही डलते हैं, जो अपने मिनी मॉन्स्टर टायर्स में जो एलॉयस लगते हैं वही एलॉयस इनके अंदर लगते हैं। तो इन टायर्स में और मिनी मॉन्स्टर टायर्स में हल्का सा फ़र्क है, फ़र्क ये है कि इन टायर्स के अंदर बबलिंग जीरो होती है। हाँ, और इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि इनकी थोड़ी आवाज़ ज़्यादा होती है, रनिंग में क्या आवाज़ काफ़ी आती है इनकी, बस यही डिफरेंस है। पर इन टायरों में आपको बबलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इंजन डिटेल्स के बारे में आ जाएं, सबसे पहले आपको बता दूं पावर जोन की बैटरी है, बैटरी के साथ आपको 12 मंथ्स की वारंटी मिलती है, वारंटी कार्ड भी आपको दिया जाता है। महिंद्रा का DI टर्बो इंजन है, एयर कैलेंडर यहाँ हो गया, पावर स्टीयरिंग ऑयल वहाँ पे है, डीजल पंप हो गया, पावर क्लच, पावर ब्रेक, ब्रांड न्यू रेडिएटर है आपको इसमें, रेडिएटर के अंदर कूलेंट वगैरह सभी डाल के देते हैं हम सभी फ्रेंड्स को। तो हो गया इंजन डिटेल्स, ये इसका इलेक्ट्रिक फ्यूज बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है। अलॉय व्हील्स आपको दिखा दिए, इसके ये वाले अलॉय व्हील्स हैं, अपने मिनी मॉन्स्टर टायर में भी यही अलॉय व्हील्स लगते हैं। और इसमें एक दो चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ जो इसके बैक साइड लगी हुई है। साइड की डिटेल्स आ जाएँ, इसमें आपको LED का इंडिकेशन दिया हुआ है, LED की ब्रेक लाइट्स हैं, और जो रिवर्स पार्किंग लाइट है और इंडिकेटर लाइट्स हैं वो LED में है। फिफ्थ अलॉय व्हील दिया हुआ है, इसमें जो डिफरेंट है नॉर्मल पाइप आता है, इसके अंदर क्या फॉर्म जैक दिया हुआ है। तो गाइस जैसे छोटी छोटी एसेसरीज होती हैं आप ये लगवा सकते हैं, इनके थोड़े प्राइस में मतलब जो भी इनका चार्जेस होते हैं वो हम आपको बता देंगे। और तो फॉर्म जैक हो गया, इसके अंदर ये छोटी सी एसेसरी एक और लगा रखी है, जो विली ओरिजिनल जो विलीस आती हैं World War II वाली हैं, जिनमें फ़ोन वगैरह होता था कम्युनिकेशन के लिए, सेम वैसा इसमें लगाया गया। निक्कू भाई ने रिक्वेस्ट की थी, उनको एक और चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा इसमें एसेसरी एक और एड ऑन कर रखी है। अब मैं आपको इसका स्टीयरिंग और इसका इंटीरियर बता दूँ, तो इसमें जो स्विफ्ट का स्टीयरिंग आता है ओरिजिनल वही लगाया, मैं भाई को बोल दूं आपको दिखा देगा एक बार। वो सीट्स हैं, पुशबैक सीट्स हैं, जैसे हमारी हर गाड़ी में पुशबैक सीट्स होती हैं, 5+1 का गियर है। और हाँ, ऊपर इसका सॉफ्ट टॉप है, तो सॉफ्ट टॉप निकाल के फिर लेके आया हूँ गाड़ी आज, कि काफ़ी भाइयों बोलते भैया आप गेड़ी वगैरह दिखाते नहीं गाड़ी में, तो मैं आपको आज गाड़ी चला के भी दिखाते हैं गाड़ी कैसे दिखती है। तो अब आ जाएँ इसकी डिटेल्स के बारे में, बुकिंग वगैरह हम कैसे करते हैं गाड़ी की। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सभी डिटेल्स मैंने कवर करने की कोशिश की है, अब आपको मैं इसकी थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें ये बता दूँ, जैसे बुकिंग कैसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग सबसे पहले जाके उसके ऊपर मॉडल सेलेक्ट कीजिए, उसका फ़ोटो मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, उसके बाद मैं उसका प्राइस डिटेल आपको जो भी गाड़ी होगी बता दूंगा, क्या एडवांस अमाउंट होता है, क्या होता है। इस गाड़ी के बारे में बता दूँ, इस गाड़ी का प्राइस है 3,50,000 रुपीज़, और जो एसेसरीज लगी है जैसे फॉर्म जैक है, फ़ोन है, या फिर जो भी है वो चीज़ें सभी एक्स्ट्रा हैं, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो गाड़ी का प्राइस आपको आइडिया हो गया, 350 है, जैसे स्टैंडर्ड प्राइस है मेरे हर गाड़ी में वो रहता है, जो अपने जो मिनी मॉन्स्टर टायर बोलते हैं, इन टायरों BKT टायर्स हैं, इनके प्राइस का कोई फ़र्क है नहीं, 200-500 का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है इन चीज़ों में। और गाड़ी का प्राइस मैंने बता दिया फ्रेंड्स। और एक और बात बताऊँ, इन गाड़ियों पर कोई फाइनेंस नहीं होता, क्योंकि ये एक्स आर्मी गाड़ियाँ होती हैं, तो इनका कोई फाइनेंस नहीं हो सकता। तो जो भी फ्रेंड फ़ोन करते हैं तो आप पहले प्लीज़ मतलब देख लीजिए कि बजट मैंने आपको बता दिया, मैसेज करते हैं कोई बात नहीं, आपको सभी डिटेल्स मिली गई होंगी।
तो भाई भाइयों सभी भाइयों मेरे को बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना और क्या कुछ आपको पसंद है। जो भी इंक्वायरी है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप लोग कोशिश करना कि व्हाट्सएप ही करें, क्योंकि डिटेल्स मैंने सभी बता दी और कॉल्स ज़्यादातर रिसीव कर नहीं पाता। और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस वो भाई को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और खुशखबरी भाई, सभी आप भाइयों की दुआ से हम लोगों ने हमारा खुद का मतलब एक और वर्कशॉप, मतलब जो पहले हमारी वर्कशॉप थोड़ी छोटी थी, हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया, मतलब एक शोरूम टाइप पूरा गाड़ी मतलब बनाया है डब्बवाली में। जो भाई आप विजिट कर रहे हैं ना, अंकिता जिप्स की कोई ब्रांचेस नहीं है, ना कोई पार्टनर है। आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं, कोई और अंकिता जिप्स के नाम से अगर आपसे एडवांस ले रहा है तो भाई आप में जो मेरा नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में आएगा वही पे आप देखिए ऑर्डर कीजिए। कोई ब्रांचेस नहीं हमारी, ना कोई हमारा और पार्टनर है। और जो भाई मंडी डब्बवाली आ रहा है उसको बता दूं, हमारा एड्रेस है बजाज की जो मोटरसाइकिल की एजेंसी है उसके बिल्कुल बगल में है और सिरसा रोड पे है ये, और ऑपोजिट टू ये वाटर बक्स है जो पानी की जो टंकी है, जलघर बोल देते हैं वाटर बक्स है ना, एकदम एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में है। जो भी भाई आएंगे दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं या सिरसा की तरफ से डब्बवाली आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपना ही शोरूम दिखेगा राइट साइड पे। तो जब मतलब रिनोवेशन काम करा रहे हैं अंदर, जो कुछ भी है जो एक्स्ट्रा मतलब शोरूम में जो लगता है वो सभी काम करा रहे हैं। पूरा कंप्लीट होने के बाद एक मैं पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अपने शोरूम के ऊपर, कोई गाड़ी रेडी होगी तो भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। तो गाइस अगर अपडेट्स के लिए बने रहेगा और अंकिता जिप्स को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो भाई ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।